हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सावंत, तुम तो जानते हो कि मेरा मेरा कारोबार टूट गया है। मुझे कुछ रुपया उधार दे दोगे तो मैं कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू करके तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा दूंगा। अरे सक्सेना साहब, क्या बात कर रहे हैं? आज आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए हैं, ऐसे थोड़े जाने दूंगा। मेहता जी अंदर आइए। यस सर, आइए मेहता जी। मेहता जी जी, तिजोरी में जितने पैसे हैं सब लेकर यहां आइए। सेठ जी, तिजोरी में तो एक रुपया भी नहीं है, सारा रुपया तो आपने कारोबार में लगा दिया है। तो बैंक से मंगवाइए। सर वो बैंक का अकाउंट भी देखना पड़ेगा, शायद उसमें एक रुपया है भी कि नहीं। तो देखिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए। ठीक है, अभी जाता हूँ। सर एक लड़की आई है स्टैनो की नौकरी के लिए। लड़की भेज दो। जी वो क्या है सक्सेना साहब, ये स्टैनो सिर्फ नाम की है, ये तो सब रात का इंतजाम है। हमें कभी कभी अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है, उन्हें खुश करना पड़ता है। अब देखिए ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरी तो बांधनी पड़ेगी ना। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। तुम्हारा नाम? जी दिव्या। और ये है मेरे सर्टिफिकेट। तुम्हारा फिगर क्या है? जी आई थिंक 36 24 36, am I right? तुम्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। जी करूंगी सर, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें सख्त जरूरत नहीं होगी तो हमारी जरूरत कैसे पूरी करोगी? ये शलवार कमीज यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें स्कर्ट ब्लाउज पहनकर आना होगा। जी हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ मेरी तनख्वाह कितनी होगी? जितना छोटा स्कर्ट उतनी बड़ी तनख्वाह। तुम्हारा बाप अभी तक मरा नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। पापा, पापा मेरी बात तो करिए पापा। पांडे साहब, मुझे सक्सेना की बेटी चाहिए। कहते उसने मुझे क्या कहा था? उसने मुझे 62 कहा था और मुझे उसे 62 का मतलब समझाना है। करण बाबू, हमारे यूपी में कहावत होते है कि जोरू और जमीन ओकी होत है जे की लाठी मजबूत होते। हाँ ठीक है। मेरी हालत देखकर तुम्हें खुशी तो बहुत हो रही होगी कि एक करोड़पति जिसकी हालत भिखारियों से भी बदतर है, आज आज तुम्हारी चौखट पर खड़ा है। जिंदगी के इस मोड़ पर वक्त मुझे लेकर आया या इसमें तुम्हारा हाथ है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। कह सकता हूं तो सिर्फ इतना कि आज कदम कदम पर अपने आत्मा, अपने जमीर, अपने अभिमान को रौंदता हुआ तुम्हारे घर तक पहुंचा हूं। अपनी बेटी के लिए उस वक्त मैं खून का घूंट पीकर रह गया जिस वक्त मैंने देखा मेरी बेटी, जिसकी एक एक नाज उठाने के लिए नौकरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उसकी एक छोटी सी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता था, खुद नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। एक मामूली सी स्टेनो की नौकरी के लिए अपनी आंखों के सामने मैंने उसे बेआबरू होते हुए देखा। मेरा जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटी को दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता। याद है एक दिन तुम आए थे मेरे पास अपने भाई का रिश्ता लेकर और मैंने इनकार कर दिया था। आज मैं आया हूं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, उसे अपना लो, अपने घर की इज्जत बना लो।
तुम लोग? दिव्या कहाँ है? कौन दिव्या? ए, मैं पूछता हूँ दिव्या कहाँ है? आजादे, छोड़ दे मुझे! संध्या, संध्या दिव्या को लेके भाग जाओ, संध्या! चलो, मामा जी। दिव्या, बंद कर, पुलिस स्टेशन चलो, चलो। दिव्या, चला, दिव्या। छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों तुम मरना चाहते हो सक्सेना? यह साबित करने के लिए कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अरे हार तो तुम उसी वक्त गए थे जब अपनी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए मेरी चौखट पर आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। क्या सोच रहे हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हें मानने के लिए किया था। नहीं सक्सेना साहेब, ये सब कुछ मैंने किया था तुम्हारे सर से दौलत का घमंड उतारने के लिए, ये बताने के लिए कि भगवान सबको इंसान बनाकर भेजता है। ये दौलत है जो इंसान को अमीर और गरीब बना देती है। एक बात बता सक्सेना, जब तुम अमीर था तेरी नाक क्या सर पे होती थी, कान मुंह पर होता था, या तेरा दिल घुटनों पे धड़कता था, भूख लगती थी क्या तू सोना खाता था? तूने जो इतनी सारी दौलत इकट्ठे कर रखी थी, मरता तो तू क्या चाकू में साथ लेकर जाता है? कोई रूट, कोई सड़क ऐसी है, कोई बैंक है ऐसा ऊपर जहां तू अपनी दौलत का खाता खोलता? खाता खुलता है सक्सेना, लेकिन दौलत का नहीं, पाप और पुण्य का, नफरत और मोहब्बत का। तूने देखा कि तेरी बेटी नौकरी करने गई, तूने देखा कि तेरी बेटी जलील हुई, लेकिन दौलत के अंधे, कभी तूने ये सोचा कि तेरी बेटी नौकरी करने किस लिए गई? तेरे लिए, क्योंकि उससे तेरी ये फटी हाली, तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि तेरी बेटी तुझसे इतना प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार तू अपनी बेटी से करता तो उसके और उसके प्यार के बीच दौलत की दीवार खड़ी नहीं करता। इसे देखिए, जानते ही ये क्या है? ये उन फैक्ट्री, बंगला, गाड़ियों के कागजात हैं जो आपके 20 लाख से मैंने खरीदे हैं। जानते हैं किसके नाम पे? आपके नाम पे। ये सारी दौलत आपकी है, आप ही को लौटा रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सच्ची दौलत मिल गई है, श्याम और दिव्या के प्यार की दौलत। Please,
इसको तब तक मारो जब तक मैं इसकी माशूखा के साथ कहा था ना बेटे कि ये चाल तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तेरी सपना को तो हमने तेरा अपना नहीं होने दिया, क्यों पांडे जी? वर्मा जी, आपसे एक थो रिक्वेस्ट है। ई कहानी की शुरुआत हमार छोटा भाई छुट्टन किए रहा, ई की महबूबा को मार के। हरामजादा! ससुरी बहुत तड़प तड़प के बरी रे,
मरते मरते भी उकामू पे एक ही नाम रहा, ईका राम। अभी के राम नाम सत का हमें एक मौका दो तो हमारी कहानी का फुल स्टॉप लग जाए वर्मा जी। इजाजत है। राम नाम सत्य है। रामजादे, मेरी बहन को मारा तूने, मेरी बहन को मारा। थोड़ी देर तनहा रहना चाहता हूं, तेरी भाभी की बहुत याद आ रही है।